अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आकिब चिश्ती। किस इलाके से? मैं दीपालपुर जिला उकाड़ा से। कट्टे और अंडू के फायदे बताएं। कट्टे और अंडू के फायदे बताएं। अच्छा, कट्टे और अंडू, अंडू अंडे, मुर्गियों के अंडे, मुर्गियों के फायदे बता दें। चले, अंडों के तो सबको पता है। अच्छा, इसका फायदा सर्दियों में होता है, गर्मियों में नहीं होता। गर्मियों में भी खाने चाहिए मुर्गियां, अंडे, गोश्त चलता ही रहता है मुर्गियों का। नहीं नहीं नहीं, जो मैं फायदा बताने जा रहा हूँ ना, वो फायदा सिर्फ सर्दियों में होता है, गर्मियों में नहीं होता। अच्छा, इसके दो तीन फायदे हैं कि जो खराब रिपोर्टिंग करता बंदा उसको अंडे मार भी सकते हैं, और कट्टे के जो है वो बड़े फायदे हैं, बंदा जो मोटा दोस्त होता से कह सकता है कट्टे। और भी कट्टे के फायदे बताऊं? और भी बताएं ना। अच्छा, वज़ीर आज़म ने ये जो ऐलान किया है, इस वाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। वो जो है ना, बंदर के हाथ माचिस आ गई है, अब जंगल को आग लगेगी। एक अच्छा मशवरा है सरमायाकारी के लिए, इसमें मैं और आप भी कर सकते हैं। गर्मियाँ मुर्गियाँ लेके रख सकते हैं, एक दो कट्टे रख सकते हैं, एक दो भैंसे रख सकते हैं, बल्कि एक दो बच्चे रख सकते हैं। वो फिर हम दो साल बाद कुर्बानी में बेचेंगे, 20,000 का लेंगे, वो 90,000 का बिक जाएगा, 1,20,000 का मिलेगा। ये एक आसान सरमाया, गरीबों के लिए सरमाया। लाजमी है दुबई जाए बंदा, अमरीका जाए, कैनेडा जाए, वहाँ जाके फिर कमाए, फिर बंदा आए। अच्छा, बात यह है कि ना, ये जो मुर्गियों वाला मॉडल है, ये बिल गेट्स ने स्टार्ट किया था, और ये बुरी तरह पिट चुका है अफ्रीका में, आपको शायद इस बात का पता होगा। और रहा बात कट्टों वाली बात का, तो वो आप बैकवर्ड एरिया में जाएं, मेरा बिलोंग, मैं बिलोंग करता हूँ बैकवर्ड एरिया से, वहाँ लोग पहले ये कट्टे पालते हैं। क्या वो उनमें अकल नहीं है? उनको नहीं पता छोटे कट्टे का गोश्त कम होता है और बड़े का ज़्यादा होता है? क्या सिर्फ इमरान खान साहब को पता है? और ये तो एक अहम करना सी बात है, असल हम उनकी तरफ देख रहे होते हैं, कोई डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, कोई खारजा पुलिस से डिस्कस करेंगे, वो कोई माशी पॉलिसी देंगे, और वो बात आगे से क्या निकल। एक माशी पॉलिसी है, एक छोटे तबके, ये मैं और आप भी, हम जब जॉब ढूंढने जाते हैं, सरकारी ढूंढने जाते हैं या बैरूनी मुल्क के लिए जाते हैं, तो अच्छा, इस वाले से जो है ये एक अच्छी पॉलिसी है। मुझे ये ना लॉन्ग टर्म है, इसके लिए 10-15 साल चाहिए, ठीक है, ये कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को जो माली बुरान है उससे निकलने के लिए एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए, इस तरह IMF से या इस तरह कोई कर्ज वगैरह ले रहे हैं, इस तरह कोई और पॉलिसी होनी चाहिए। ये लोग पहले ही अपनी, ये तो सुभाष जी ने भी शुरू किया था, वो भी फ्लॉप हो गया था, और ये चलने से पहले फ्लॉप हो गया। और दूसरी चीज़, इनको इतना पता है कि अंडे रखे, मुर्गियाँ रखे, उसके आगे कोई उन्होंने रोड मैप नहीं दिया उनका क्या करें, उनका क्या करना है, किस तरह उससे मवेशियत बेहतर होगी, ये कुछ नहीं पता। सही होगा जब मैं मुर्गियां रखूंगा, एक फार्म डालूंगा, फार्म से जो मैं पैसे कमाऊंगा वो मेरे, उससे मैं आगे भी कारोबार कर सकूं। लास्ट कमेंट करना चाहता हूँ कि मैं मुर्गी रखूंगा, अंडे देगी, फिर उससे बकरी लूंगा, फिर उससे गाय लूंगा, फिर उससे गाय का फार्म बनाऊंगा, और मैं शेख चिल्ली हूँ। शेख चिल्ली क्यों, आप ये कर सकते हैं। थैंक यू। ये शेख चिलिया है जी, शेख चिलिया, बिल्कुल शेख चिलिया है। शेख रशीद तो नहीं है सर? नहीं, शेख रशीद तो फिट आदमी है, आप कह रहे हैं।